यार वो तो फिर वो तो गुनाह कबीरा हो जाएगा अगर गांड मार दी किसी की। हाँ बिल्कुल सही बोला, गांड मार। ओ भाई तू दो इंच से मक्खी नहीं मार सकता, तू बैठ के वहां पर अभी अपनी चाय बनाओ, ओके कॉफी बनाओ, चलो कॉफी पीनी है बना, उसमें आप मोटे डाल के देंगे तो जो चाहिए। कॉफी बनाओ, कॉफी बना, कॉफी बना, तो अपनी औकात में आके कॉफी बना, चल 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 कॉफी बना जाके, चल 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 कस्टमर आया है, कॉफी बना, सुअर का टट्टे, चल कॉफी बना, चलो कॉफी बना, कॉफी बनाओ, कॉफी बनाओ सुअर के, और मैं यहाँ पर अपनी टेंशन में फिर सी फंसी हुई हूँ, ये एक और टट्टे मिला देंगे, कुतिया की बच्ची। मेरे को गैस टैंक नहीं दिख रहा है यहाँ पर इस गाड़ी में, कहाँ से खुल रहा है, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे किसी ने पूछना पड़ेगा यार, मैं अभी हो गई मेरे को, मर्दों से चुदवा तू जाके भैंस की लोड़ी से, तो क्या मैंने औरतों से चुदवाना है, मर्दों से चुदवानी तेरी माँ, और चुदवा के तुझे मर्दों से, नहीं तो तेरी माँ ने किससे चुदवाया था, माँ ने किससे चुदवाया, तेरी माँ ने किससे चुदवाया, माँ ने तुम्हारी किससे चुदवाया, लड़की से चुदवाया तो तू पैदा हुआ, अच्छा नहीं नहीं तेरी माँ ने घोड़े से या गधे से चुदवाया था, तू जैसा गधा पैदा हुआ है, गधे से चुदवाया था, तुझे गधा पैदा हुआ है, खच्चर खच्चर एक्चुअली, कुत्ते के पिल्ले साले किसी से भी चुदवा लेते हैं, कि खुद कह रही है मर्दों से ही चुदवाऊंगी ना, हाँ मर्द से नहीं बोली मैं, ये तो मर्द से ही चुदवाते हैं, और किससे चुदवाते हैं, तेरी माँ ने किससे चुदवाया था, तेरी माँ ने किससे करवाया था, मुझे बताओ तुम्हारी माँ ने किससे करवाया था, तुम्हारी माँ ने किससे करवाया था, अब्बा है तेरी तरह नहीं है वो, तेरी तरह नहीं, तो तेरा अब्बा क्या है, तेरा अब्बा मर्द नहीं है, तेरा अब्बा मर्द नहीं है, तेरा अब्बा मर्द नहीं है, इसका अब्बा मर्द नहीं है गाइस, बेचारे को तकलीफ है, इसका अब्बा मर्द नहीं है, हम आपकी तकलीफ जानते हैं, हम आपकी तकलीफ अच्छी तरीके से जानते हैं, हम आपके बाप की और माँ की तकलीफ अच्छी तरीके से जानते हैं, अब आपका बाप मर्द नहीं है तो हम क्या करें इसमें, अब हमारा क्या कसूर है, मर नहीं होता हम तेरी यहाँ बैठ के चोट नहीं रहे होते, पकड़ के तेरी पकड़ के ना गांड नहीं मारे होता, क्या वो मर नहीं होता, नहीं क्यों तुम्हें क्यों इतना हो रहा है, मैं किसी को चुदवा, तुझे की जेलेसी हो रही है, तेरे को नहीं मिल रहा, क्या बोले तेरा बाप हिजड़ा होगा जो तुझ जैसी औलाद पैदा करेगी, इस्लाम इस्लाम में पैदा हो गया, भाई मेरी लाइन मेरे को नहीं मार, मेरी लाइन मेरे को नहीं मार, समझ में ही ना, ओरिजिनल लेकर आ, कोई और लाइन मारो, कोई ओरिजिनल लाइन मारो, मेरी मैं भी बातें मुझ पे मत बोलो, टैलेंट पैदा करो अपने अंदर, टैलेंट पैदा करो, टैलेंट पैदा करो अपने अंदर, लाइन लाइन की क्या बात है, हाँ भाई अब मेरे साथ बात करो, अब मेरे साथ बात कर लो, मेरे साथ बात कर लो, आपने इस तरह की गालियां जो हैं दूसरे लोगों को भी आपने निकाली हैं जिंदगी में, या सिर्फ सारा गुस्सा आप महलीज पे उतारते हैं, महलीज 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 पे उतार, उस पर गाली निकालते हैं, जिस पर गुस्सा तुम निकालते गाली, हम ये नहीं कह रहे अच्छी बात है गाली देना, क्यों गुस्सा क्यों, अब मुझे ये बताइए क्या महलीज जो है वो पाकिस्तान के स्टाइल के मुताबिक वो पकड़े कपड़े नहीं पहनती, आपको इस चीज पे गुस्सा है, पाकिस्तान के स्टाइल के मुताबिक पाकिस्तान कपड़े नहीं पहनते, कपड़े हमारे वो इंग्लिश ड्रेस पहनती है, वो इंग्लिश ड्रेस पहनती है, आपको इस चीज पे गुस्सा है, नहीं मैंने मोहम्मद को छेड़ दिया है, वो मुसलमान नहीं है, वो भाई मुसलमान तो मैं भी नहीं हूँ, अच्छा तो अब मुझे गाली नहीं निकाल रहे, मैं ये सोच रहा था कि मैं लीजिए क्यों, ये एक कमजोर जो है, इस्लाम में औरत को यही दर्जा दिया है इस वजह से, इस्लाम में औरत को कतरा किया है इस वजह से, और लौंडी है इस्लाम में औरत, लौंडी है, तुझ जैसी औरत क्या, तुझ जैसा टट्टा जो है ना जिसकी कोई इज्जत नहीं है, तुम जैसों को हम अगर सुना देंगे ना तो हम जैसी औरतें खराब हो जाती है, चल निकल यहाँ से, चुप कर भाई, मेरे भाई मेरे ये बुजदली है भाई, मेरे ये बुजदली है, अपने से कम कर पे गुस्सा नहीं उतारते, दर्जा देने के लिए कोई दर्जा खुद का भी होना चाहिए, तू कॉफी बना जाकर अपनी, समझ में आई ना, जाओ चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय वाले ये चाय वाला है मेरे को बताएगा, चाय वाले जाओ चाय बनाओ जल्दी से, दूध पत्ती जाओ अपनी औकात में आ जाओ, मेरी जहाँ मुठ मार के डाल के, ओए इसकी जो मालूम करो ये कहाँ काम करता है, वहाँ पे मुठ मार के चाय पिलाता है लोगों को, शर्म नहीं आती, गंदे गलीज इंसान, इतने बड़े इस्लामिक मुल्क में मुठ मार के चाय के अंदर मुठ डाल के डालता है, ओ माय गॉड डिस्कस्टिंग, आए हाय गंदे गलीज लोग, आए हाय गंदे गलीज लोग, गंदे 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 अरे गंदे गलीज लोग, तो भाई भाई मुझको भाई भाई बहुत गालियां निकाल ली आपने, बहुत गालियां निकाल ली भाई, मेरी तरफ भी आओ ना कुछ, मुझे बुरा भला कहो आप, मुझे बुरा भला कहो आप, तूने तू मेरी गाड़ के करीब आया ना तो मैंने तेरे पे डायरिया करवाया ना, ऐसा गंदा इतनी गंदे गंदे पाद मार दे ना मैंने, फिर तू देखना, फिर देखना तू जरा तो मेरी गाड़ के पास,
ना तू, अभी तो वैसे मैंने काफी मिर्ची दी है तुम्हारी गांड के अंदर। मेरी तो बहन ही नहीं है, मेरी तो बहन ही नहीं है, मेरी तो बहन ही नहीं है, मेरी तो बहन ही नहीं है। हम बताएंगे कैसे मारी जाती है। एक दफा बहन की लोड़ी। अरे चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चाय बना अपनी, चलो चाय बनाओ जाकर। चाय वाले, चाय वाला आया, चाय लेकर आया, बिस्कुट भी बेचते हैं चाय के साथ या सिर्फ चाय ही बेचते हो? तुम जैसे बिस्कुट भी है बेबी, फ्री होता है बेबी, बिस्कुट भी देते हो कि नहीं? वैसे कितने पैसे कमा लेते हो तुम एक दिन के? बिल्कुल बिल्कुल, तुम कितने रियाल कमा लेते हो? क्यों क्यों तुझे जितना है हमसे पैसे चाहिए तो हमसे बता। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही हूँ तुमको शायद डोनेट कर दूं ताकि तू अपना जाके इलाज करवा ले थोड़ा सा। इलाज की तुझे सारा होता है बहन की लोड़ी सारी। हाँ चलो ठीक है, मुझे इलाज की जरूरत है, $5,000 भेज दे। चल 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 जल्दी से $5,000 भेज, चलो चलो टट्टे जल्दी से करो, $5,000 भेज, चलो चलो चलो, अरे चुप, $5,000 भेज, चलो जल्दी करो। दूसरों को बोल रही है। हाँ सुअर तो बड़ा क्यूट होता है, तुमने वो नहीं देखी पापा पेग, कितना क्यूट है। हाँ ना, कितना क्यूट है, पूरी दुनिया के लिए क्यूट है, पूरी दुनिया के लिए क्यूट है। पापा पिग को रख दो ना, अगर मैं अपने कुत्ते या पिग की तस्वीर लगाऊ ना, इसकी शक्ल लगाऊ, तो लोगों ने पिग को ज्यादा पसंद करना है। हाँ ना देख, तभी तो तेरे साथ एक आया ना तेरा दल्ला यहाँ पे, सुअर का टट्टे, सुअर का टट्टे। हाँ वो खूबसूरत है, तुमसे फिर भी अच्छा है, तुझसे बिल भी अच्छा है, समझ में आई ना? जैसे भी अच्छा ही होगा ना, हमने बोला। हाँ नहीं क्यों नहीं होगा, अच्छा इंसान तो अच्छा है ना। तुम अपनी बताओ, तुम अपनी बात करो, अपनी बात करो। बड़ा अपने आपको पता नहीं कहाँ से कौन सा राजकुमार समझ रहा है अपना, ये समझ रहा है सऊदीया का शेख यही है। बिल्कुल है, व्हाट अ जोक, शेख जरूर जरूर शेख बेचारे। अभी शेख ने सुन लिया ना तो पीछे जाए तो छित्तर पड़ना है तेरी गांड पे, लाल हो जाएगी। कनाडा वैसे भी लाल हुई है, वैसे भी लाल हुई है। अच्छा यार देखो कितना टाइम जाया कर रहा है गालियों देने पे, इतने ही देर अगर आपने तबलीग पे लगाई होती ना हम पे तो शायद अल्लाह मियां खुश हो गया आपको एक भी। हाँ तो कोशिश तो करो यार, ऐसे तो ना करो यार, कोशिश तो करो। हम या हमसे पूछ लो कि हम काफिर क्यों, फिर हम आपको बता देते हैं। काफिर हो ना, उसकी साइड ही लोगे ना, हमारी क्यों साइड लोगे? तो भाई हम भी आपकी साइड पे ही होते थे ना किसी दिन, किसी दिन। ये बहन चौधरी हमें समझ नहीं आती कैसा यार, गाली ना निकालो, सही से बात करो, सही से बात करो। हमें को ख्वाब तो नहीं आया ना एक दिन के यार आज नहीं, हमने सुबह उठ के ना मुसलमान नहीं रहना, हमने हमने छोड़ देना, को ख्वाब तो नहीं ना आया होगा, हमें को वजह ही होगी ना। हां नहीं, बहुत बदनसीब है जो इस तरह का ना मुसलमान पैदा होकर काफिर हो जाए, बहुत बदनसीब है वो। तो फर्ज करे अगर आप हिंदू के घर पैदा हो जाते तो फिर आप क्या कहते, आपको आप फिर भी यही लाइन कह रहे होते या कुछ और कह रहे होते? नहीं मतलब क्या कह रहा, मतलब बात समझ में फर्ज किया जी, आप हजरत आप जो है ना वो किसी हिंदू के घर पैदा हो चुके हैं और सुबह सुबह उठ के ना आप रोजाना एक गिलास गौमूत्र पीते हैं, तो फिर आप गौमूत्र को पीना अच्छा कह रहे होते या बुरा कह रहे होते? अगर हिंदू होते, हिंदू हमें हम कैसे बता सकते हैं हम हिंदू होते कैसे? हमें नहीं, तो वे फर्जी कर रहे हैं ना, फर्जी कर रहे हैं ना। नहीं अगर हम हिंदू होते ना तब भी हम सही रास्ता ढूंढते, हमें जब तक पता नहीं चल जाता क्योंकि भूतों को पूजा करना सही। तो अभी तक तो आप सही रास्ते पे आए नहीं है मुसलमानों के, तो फिर किसी किताब में नहीं लिखा है भूतों की पूजा करनी है? किस किताब में लिखा है बताओ जरा, किस किताब में क्या लिखा है, किस किताब में लिखा है भूतों की पूजा करनी है, किस किताब में लिखा है? हिंदू तो कर रहे हैं ना, वो कल्चर ही कर रहे हैं, आप ही उनके उनके कल्चर का हिस्सा होते तो आप ही कर रहे होते। नहीं अगर अल्लाह ने हिंदू बना के दिमाग दिया होता ना तो हम इंशाल्लाह सही रास्ता ढूंढते, तो जो अल्लाह मियां वो उनको गलत रास्ते पे लगाया हुआ है जो हिंदू पैदा हो रहे हैं, फिर उनको सही रास्ते दिखाता है, उनको दिखता नहीं है बस। तो फिर कसूर किसका है इसमें? अल्लाह मियां का ना, वो उनको उनके घर में पैदा कर रहा है। नहीं दिखाता है क्यों भाई, आपका कहां चिट्टा ही रहना। तो अल्लाह मियां ने सबको अकल दी है, सबको अकल दे दी अल्लाह ने, सबको अकल दी है। जब आप कभी गलत हो सकते हैं क्या आप कभी गलत हो सकते हैं, ये सब भी सोचा है आपने? गलत, हाँ हम हमेशा गलत हो सकते हैं, क्या बात है, क्यों मतलब? तो फिर क्यों सोचते क्यों नहीं फिर इस बारे में कि यार ये भी तो हो सकता है कि यार जिस फिरके में मैं हूँ वो गलत हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिस मजहब में मैं हूँ वो भी गलत हो सकता है, पॉलिसी आपको गलत भी लग सकती है कि नहीं लग सकती, कभी अपने आपको गलत समझ के सोचो तो फिर शायद आपको समझ आ जाएगी। मतलब हम ये सोचा हम मुसलमान हम गलत हो सकते हैं? नहीं तो आप अपने आपको टेस्ट करें ना कि यार मैं अंधा यकीन कर रहा हूँ या इसके वाकई पीछे कोई बेसिस भी है। बिल्कुल है, देखो क्या है
क्या बेसिस है इसके अलावा, क्या मुसलमान के घर पैदा हो गया, क्या बेसिस है मुसलमान को सही प्रूफ कर दिए। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई कंट्री ऐसे है जहाँ पे मस्जिद ना हो, बताओ यार। वो तो कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे मंदिर नहीं होगा, तो इससे कुछ भी साबित नहीं होता। नहीं नहीं इससे क्यों नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, ये इस बात को साइड में रखो। दुनिया में सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सा है? जब लोग कन्वर्ट होते हैं तो कौन से रिलीजन में होता है? क्रिश्चियन जब बदलता है अपना मजहब मुसलमान होता है, हिंदू जब अपना मजहब बदलता है तो मुसलमान होता है। तो तुम जैसा यार अगर आप यही आपका पैमाना है तो दुनिया में सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियन है। हाँ अगर आपका ये पैमाना है तो सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियन है इस वक्त दुनिया में। हमने क्या बोला, आपको समझ नहीं आना? हाईएस्ट ग्रोइंग रिलीजन बोला जो सबसे बढ़ रहा है अभी जल्दी। हाँ तो मतलब आप बढ़ रहा है तो आपको यही बता रहे हैं ना कि लोग बढ़ रहे हैं हमारे, तो अगर वो जो बड़े हुए हैं पहले फिर आप उसको सही मान लेना, वो जो क्रिश्चियन बैठे हुए हैं पहले तो आप उनको मान लेना। अगर आपने आपका नंबर ही आपका पैमाना है तो भाई आपसे ज्यादा नंबर तो उनके है। हाँ तो नंबर उनके ज्यादा है, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, हो सकता है 30-40 साल बाद हम लोग ज्यादा हो जाए। वैसे भी ये भी तो हो सकता है अगले 30-40 साल तक इस्लाम का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। अच्छा भाई साहब मैं एक बात करता हूँ, मेरे माँ बाप दोनों मर गए, लेकिन अब मैं देखूँ ना उनके बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ पोते पोतियाँ कितनी तादाद है, तो वो 70 तो वो जो है ना उनकी तादाद 70 बनती है, ठीक है। और इसी तरह से मैं जब एक दफा काउंटिंग करता दादा दादी जो है ना वो 40 साल पहले मर गए, लेकिन अपने पीछे जो है ना कितने पोते पोतियां पड़पोते पोतियां वो छोड़ गए, तो वो उनकी तादाद मुझे पता कितनी मिली, तकरीबन कोई 1000 के करीब। तो मैं खुद जो हूँ ना, हम कितने बहन भाई हैं, तकरीबन मैं अपने दादे की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ की हम कितने बहन भाई हैं, हम तकरीबन दर्जन के करीब बहन भाई हैं, ठीक है। तो ये आप मत कहो कि ये रिकॉर्ड में नाम नहीं आया। ओके ओ भाई हमसे ज्यादा भी होते हैं, एक रसूल आता है यहाँ पे, उसके 14 बच्चे हैं, हमसे भी ज्यादा हैं भाई साहब। अच्छा दूसरी जो बात है ना कि ये हमने जो है ना बच्चे पैदा किए हैं धड़ाधड़, ये औरतें जो होती हैं ना हमारे लिए ये बच्चे पैदा करने की एक मशीन होती है। तो अभी मुझे बताया 30 साल पहले तकरीबन पाकिस्तान की आबादी कोई थी तकरीबन 10 करोड़ थी, अब वो 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है, ठीक है। और एक ऐसा दौर आएगा ये 30-40 करोड़ हो जाएगी, लोगों के जो है ना ये गोश्त खाएंगे, गोश्त नोचेंगे, ठीक है ना। ये वो दिन भी आएगा, एक वो दिन भी आएगा। तो ये जो है ना ये गैर मुस्लिम ये कबूल नहीं कर रहे, ये हम जो है ना खुद धड़ाधड़ अपनी आबादियां जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। मुझे यहाँ पे इतने लोग नजर नहीं आते, अंग्रेज में यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, ठीक है। वो जो है पाकिस्तानी है बांग्लादेशी है, ये उनके होते हैं, वो मस्जिदें जला रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं। तो ये जो है ना हमने आबादियां बड़ी बढ़ाई हैं, ये नहीं है कि ये बहुत जो है दुनिया में बड़ा काबिल मकबूल है। आपने कभी जाया नहीं, गए नहीं आप यूट्यूब में जाके देखें ये इस्लाम के मुतल्लिक लोग क्या कुछ कहते हैं, हिंदू क्या कहते हैं, अंग्रेज क्या कहते हैं, कभी आपने सुना नहीं? ये इतने स्टूपिड है, इतने आसमान पे चांद पे चले गए, ये मरीख में चले गए, ठीक है। ये जो है इन्होंने नमाजें पढ़ के ये सब कुछ काम किए हैं, ये नमाजें पढ़ के इन्होंने फुर्सत मिले तो करेंगे ना ये कुछ। हाँ तुझे मुझ पे लाने से मुर्ख फुर्सत मिले अगर चाहे भाई चाहे देखो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। देखो औरत एक कमजोर के को गाली ही नहीं निकालते, ठीक है। आपका बस जो है ना एक कमजोर के ऊपर निकलता है, नहीं वो आप अपने से ताकतवर, ये बादरी कोई नहीं है ना, आप हमसे बात कर रहे हो, हम आप बादरी नहीं, नहीं है बोल रही, तो हमें बोलना पड़ेगा। नहीं, ये आप पता नहीं आपकी क्या हेट्रेड है मैरिज के साथ। मुझे मैरिज इतनी बुरी नहीं लगती, पता नहीं क्या वजह है। आप उसकी तरह आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप उसकी तरह हो, बिल्कुल आपको नहीं बुरी लगेगी भाई। आप भी हमको बुरे नहीं लगते, हमने आप भी बुरे नहीं लगते, मैंने आपको गाली निकाली है। असल में रंडी है वो, असल में ऊपर नहीं भाई आपको कैसे कह सकते हो भाई, इसके साथ रहे हो, ठीक है। मैली जैसी मैली से बढ़ के मैं कई दर्जनों औरतें जो है या मैं अमेरिका में देखता हूँ घूमता फिरती हैं वो, बल्कि ऐसी औरतें भी मैंने देखी हैं कि उनके पास पेंट किया होता है उन्होंने अपनी बॉडी के, कोई एक कपड़ा भी नहीं होता उनके बॉडी के ऊपर। तो मैं उनको भी कहना शुरू कर दूं कि ये रेंडिया है, गालियां निकालना शुरू कर, मेरी तो उजरत नहीं बढ़ती कि मैं किसी औरत को हाथ भी लगा लूं। तो मैलीज देखो ये इस तरह कनाडा में रहती है, मैलीज कनाडा में रहती है और यहाँ सारी औरतें इसी तरह की होती हैं, इसलिए हम उसको गाली दे।
ओ भाई आप जाओ, आप जाओ, इसने बात क्यों कर रहे हो आप? वो उसने हमारे नबी उगाई था, उसको गाली क्यों ना दें? चले नबी को गाली निकाली ना, तो देखो नबी 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 क्या है, नबी क्या है? वो प्रॉफिट है, वो अल्लाह के सबसे महबूब तरीन हस्ती है भाई। अल्लाह ले बदला मैली से, अल्लाह ले ना, ये अल्लाह ने ये सारे जिम्मे हमारे ऊपर क्यों डाले हैं कि हमने ही लोगों का खून करना है, हमने लोगों के जो सर हैं वो तन से जुदा करना है। अल्लाह मियां ने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, इस तरह के लोग ने अल्लाह मियां ने बॉडीगार्ड रखे, बॉडीगार्ड कभी नहीं बोला खून करना है किसी का, कैसा अल्लाह ने कभी नहीं बोला भाई। उसने वो आपके खादम रिजवी साहब जो है वो ये नहीं कहते थे सर तन से जुदा, गुस्ताख की एक ही सजा सर तन से जुदा, कभी आपने उनको सुना नहीं? वो कौन किस तरह की गुस्ताखी, ये भी तो बताओ ना, हर हर हजारों तरह की गुस्ताखी होती है दुनिया में। नहीं नहीं वो अच्छा, भाई आपको काबिले पसंद गुस्ताखी कौन सी वो भी बताए, वो करते हैं क्या क्या? मैं कहा आपको कौन सी गुस्ताखी पसंद है आप वो बताए, हम वो वाली करते हैं। पसंद हमें तो कोई गुस्ताखी पसंद नहीं है भैया, अभी तो हमारी महलीज की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हमने आपको कौन सा सर तन से जुदा करने की धमकी दे दी अभी तक? अभी अगर कोई लड़की यहाँ पर इसकी हाँ हजूरी कर रही होती ना तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर इनको प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ औरत अपने राइट्स के लिए खड़ी हो जाए, औरत खड़े होकर ना इनसे मुकाबला कौन से राइट मिलना है? नबी को गाली देके कौन से राइट मिल रहे हैं तुझे? नबी को गाली देके कौन से राइट मिल रहे हैं ये बता, कौन से राइट उससे ले रहे हैं बहन की लौड़ी बता, कौन से राइट मिल रहे हैं तुझे, कौन से राइट मिल रहे? महलीज ने नबी को गाली नहीं निकाली, भाई महलीज ने नहीं निकाली, जवाब दे, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। अच्छा यार मुझे मुझे लग रहा है कि हमें भी गुस्ताखी करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी गाली दे दो चार, हमें भी गाली मिलती है, क्योंकि ये कमजोर, ये अपने से कम औरत में चलाएगा, ये इस्लाम सिखाते ही है आपको, इस्लाम सिखाता है, तो मोहम्मद ही सिखाता है, ये मोहम्मद ने सिखाया है इनको, मुझे कोई जरूरत नहीं वोमेन कार्ड खेलने की, समझ में आई ना? तू जाके अपना मोहम्मद का कार्ड अपनी गाड़ी अंदर घुसा ले, तुम लोग क्या औरत को समझते हो? औरत को एक रंडी के अलावा और कुछ समझते हो तुम लोग? तुम लोगों ने औरत को कुछ समझा है सिवाय सेक्स मशीन के बच्चे पैदा करने के लिए? लौंडिया रख लो बच्चों, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने के लिए तैयार है ये कमीना इंसान पेडोफाइल। वो बालिग थी, वो बालिग थी, वो बालिग थी, तूने चेक किया था? तूने आयशा को चेक किया? तूने आयशा को चेक किया? तूने आयशा को चेक किया? चाय बनाने वाला है, चाय बनाने वाला हमें बताएगा कि 9 साल की बच्ची बालिग हो जाती है? चाय बना, तू चाय बना, जा चाय बना, सवाल है इन भाई के साथ, भाई से एक सवाल है, कोई सवाल जवाब नहीं देना, इसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। आयशा जब बालिग हो गई थी तो रसूलुल्लाह भी बालिग हो गए थे 9 साल की उम्र में कि नहीं? नहीं उनकी शादी नहीं होती 9 साल की उम्र में, यार नहीं हुई थी, बालिग तो हो चुके होंगे ना, इसके बारे में हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई, अगर आप ये पता है आयशा बाले हो गई थी, ये चेक कर लिया है आयशा, ये पता है, ये नहीं पता कि रसूल। अच्छा अंदाजा ही लगा लें, चलो अंदाजा ही लगा लो, हो चुके होंगे कि नहीं हो चुके होंगे, क्योंकि उस वक्त तो बच्चे जल्दी जवान हो जाते थे तो वो भी हो चुके होंगे, नहीं पता, नहीं बता सकते हम, चलो हम कह रहे हैं बालक हो चुके थे, तो फिर आयशा कैसे पता तुमको? आयशा ने चेकअप किया था, वो भी बालक हो चुके थे। हेलो, इनके कुलिया के मुताबिक वो भी बालिग हो चुके थे। किन के मुताबिक? आप जो कुलिया निकाल रहे हैं ना कि उस वक्त गजा इस तरह की होती थी और बच्चे जल्दी जवान हो जाते थे, तो उसी कुलिया का इस्तेमाल करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 9 साल की उम्र में शादी के काबिल हो चुके थे। हमें नहीं पता वो 9 साल की उम्र हो गए थे, लेकिन यार आयशा अलैहि सलाम वो बालिग 9 साल की उम्र में, आप नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपके आपके कुलिया के मुताबिक वो भी बालिग हो चुके थे। किसके मुताबिक? आपने जो कुलिया इस्तेमाल किया उसके मुताबिक। हमने कौन सी इस्तेमाल करी बताओ? कि वहाँ पे गजा इतनी अच्छी हुआ करती थी और बच्चे जल्दी जवान हो जाते थे। हाँ हो सकता है हो गया वो बालिग, हमें क्या पता। हाँ तो उनकी उनकी शादी किस उम्र में हुई है? उनकी शादी उनकी पहली शादी किस उम्र में हुई है? 17-18 साल की उम्र में हुई थी। किसकी? 17-18 साल। गलत कौन से नबी को फॉलो कर रहे हो? हजरत मोहम्मद की बात कर रहे हो या कोई किसी और की बात बता रहे हो? मैं
आपको पता ही कख नहीं है भाई, पता नहीं आपने मुसलमान की स्पेलिंग आते हैं आपको? अभी हम बता रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं? नहीं यार, 17-18 साल की उम्र में उनकी शादी तो नहीं हुई थी यार। 17-18 साल की उम्र में उनकी शादी तो नहीं हुई थी। इसको सारा इस्लाम हमने सिखाना है क्या? इसने कुछ नहीं सीखा आज तक, सारा इस्लाम इसको हम सिखा रहे हैं काफिर लोग। भाई मेरा भी एक सवाल का जवाब दे दो आप, मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो। मुझे बताओ, मेरे घर में एक मुलाजमा है, बगैर नकाह के मैं उसके साथ सेक्स कर सकता हूँ कि नहीं? तुम्हारी बीवी है, छुट्टी करो करो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी भी नहीं है, एक बस मुलाजमा है, बगैर नकाह के जो है मैं उसके साथ सेक्स कर सकता हूँ? नहीं, बीवी के अलावा किसी और के साथ सेक्स नहीं कर सकते। वो लूंडी है, वो मेरी लूंडी है, मुलाजमा है, वो जो है बस मेरे घर में ही रहती है। नहीं, बीवी के अलावा किसी और के साथ सेक्स नहीं कर सकते। नकाह करना जरूरी होता है? नकाह करना जरूरी होता है? बिल्कुल नकाह करना जरूरी होता है। अच्छा चलो, तो ये अंग्रेज जो हैं, ये जो काफिर जो हैं, ये इस नकाह नहीं करते इस्लाम के तरीके के मुताबिक। अल्लाह उनको औलादे क्यों देता है भाई? वो औलादे बड़ी समझदार होती हैं, बड़ी हसीन और जमील होती हैं। इधर मैं औरतों को देखते ही रह जाता हूँ, इतनी खूबसूरत है। तो भाई अल्लाह जो है वो नकाह के, हमारे नकाह के मुताबिक तो वो नहीं करते, तो उनके तो डिब्बे खड़ते, उनके बच्चे पैदा होने चाहिए, नूले लंगड़े पे बच्चे उनके पैदा होने चाहिए। हाँ? नहीं नहीं चाहिए बल्कि बच्चे उनके। हाँ। क्या और वो इस्लाम के मुताबिक नहीं करेगा तो उसके स्पर्म्स नहीं निकलेंगे? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, इनके बच्चे लॉन्डी के साथ सेक्स है अलाउड विदाउट मैरिज? इस्लाम में तो आपको खुद कहता है कि लॉन्डी के साथ सेक्स कर लो जहाँ भी करना है विदाउट मैरिज, विदाउट निकाह। चुप कर सुअर की बच्ची, चुप है, तुझे इस्लाम सिखा रही हूँ मैं, समझ में आई ना? चुप कर रही था, कुछ सीख ले, गालियाँ निकाल दो, हमको गालियाँ निकालो, मैलिज को ना निकालो भाई, ये अच्छी बात नहीं है।